1, 2, 3. हेलो गाइस, दिस इज मी दगितेश शर्मा एंड वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। तो भाई ये है मेरी स्टैंडर्ड 350 BS6। आज भाई इसका अपन पूरा एक ड्राइविंग रिव्यू बनाने वाले हैं कि कैसी ये चलने में, क्या कैसा पिकअप वगैरह है, सब कुछ तो यही बनाते हैं आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये रही गाड़ी की चाबी, नाउ अपन बैठते हैं इस पे। इग्निशन ऑन, यस, कैमरा एंगल भी राइट, किल स्विच ऑन, मिरर एडजस्ट, यस, स्टार्ट तो हो गई भाई। साउंड भी सही है यार इंजन का देखा जाए तो। नाउ फर्स्ट गियर, नाउ स्टार्ट। भाई इनिशियल पिकअप बहुत शानदार है यार इसका। ओ भाई दौड़ने में तो भाई यार मतलब क्या ही बोलना इसका यार, दौड़ने में तो बहुत शानदार है भाई, मजा ऐसा आ गया बिल्कुल। पिकअप के मामले में भी बहुत अच्छी है गाड़ी। और नाउ आगे तक चल के आते हैं अपन। भाई पिकअप के मामले में बहुत अच्छी है, मैं इसको क्या है बोलूँ, 28 NM का टॉर्क आता है यार इसमें तो, अच्छी तो होनी ही है। और भाई मतलब आवाज़ आपको ज़्यादा ही आ रही होगी जानता हूँ मैं। नाउ 40 में रिफाइंड है इंजन, ये मेरा टॉप गियर है अभी। और पिकअप के मामले में बहुत मस्त है भाई, कुछ भी बोलो। सस्पेंशन इसके बताऊँ तो ये अभी ख़राब रोड चल रहा है थोड़ा सा, तो हाँ मतलब हल्के फुलके जो है झटके लग सकते हैं आपको इसमें, बिल्कुल हल्के फुलके झटके, बाकी बिल्कुल ज़्यादा भी नहीं लगेंगे, आप इसको ऑफ रोड ले जा सकते हो आराम से। ओ भाई सही में मतलब बहुत मज़ा आता है। और ऊँची भी पता है दूसरी नॉर्मल बाइक से तो ज़्यादा ऊँची है ये बुलेट, जहाँ तक मेरे को लगता है, क्योंकि इसमें आता है 19 inches का टायर आगे पीछे दोनों तरफ सेम आता है इसमें। और भाई सही है यार, चलने में बहुत अच्छी है। वो तो स्कूटी वाला बेकाम ही हॉर्न बजा रहा है। तो भाई देखो कितना मस्त लग रहा है यार चलने में। मैं इसके कुछ नेगेटिव के बाद भी करने वाला हूँ, एक दो नेगेटिव हुए चलाने में तो वो मैं आज आपको बताऊँगा। नाउ यहाँ से लेंगे अपन यू टर्न, कार आ रही है, मेरे को निकल जान दे भाई। यस, अब मैं भगाऊँगा नहीं इसको ज़्यादा। अब मैं इसके एक नेगेटिव की बात करूँ तो इसमें जो वाइब्रेशंस रहता है वो मेरे को कहाँ दिखता है, मिरर पे तो दिखता ही हल्का फुल्का, लेकिन ये जो क्लच है ना भाई, ये क्लच पे भी मिलता ही है। अब मैंने क्लच छोड़ रखा है तो इसकी आवाज़ आपको आ रही होगी नहीं आ रही होगी पता नहीं, लेकिन मेरे को आ रही है कट 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 कट, यूँ बहुत ज़्यादा हिलता ही है। तो मेरे को ये चीज़ थोड़ी इरीटेट करती है देखो ड्राइविंग के टाइम। अब यूँ नहीं कि पूरे टाइम क्लच दबाए रखेंगे तो अच्छा नहीं रहता वैसे क्लच दबाना। भाई हैंडलिंग वगैरह बहुत अच्छी है इस गाड़ी की, पर मैं हैंडलिंग के नाम पे भी एक नेगेटिव बताना चाहूँगा कि मेरी गाड़ी एक तरफ भागती है। देखो मैं आपको बताऊँ अभी, तो ये हुआ बम्पर पार, ये 40 पे आ गया अपन 50 पे है, एंड अब मैं छोड़ूंगा ना तो गाड़ी देखना एक तरफ भागेगी। ये देखो ये एक तरफ जा रही है गाड़ी, एक तरफ जा रही है। तो हैंडलिंग मेरे को ऐसे अजीब लगती है, मतलब थोड़ा तो लगता ही है लैग यार के, मतलब इतना महंगा अपन गाड़ी भी खरीद रहे हैं और हैंडल यार ये बहुत आवाज़ करता है। एक तो कोई नहीं चलते हैं। और पता है 40 से लेके 60 के बीच में अगर आप गाड़ी चलाओगे ना तो आपको बहुत अच्छा तो माइलेज देगी है। मैं सिटी में 40 पे चलाता हूँ और ऐसे बड़े रोडों पे चलाता हूँ 60 से 70 के बीच में, तो मेरे को बहुत अच्छा माइलेज मिल जाता है इसमें। तो भाई चलने के मामले में भी बहुत अच्छी गाड़ी है ये। इसमें लाइट का अगर मैं बताऊँ ना तो लाइट यार मेरे को कमज़ोर लगती है रात में, ठीक है ना, क्योंकि इसका जो हाई बीम है कुछ भी काम का नहीं है, लो बीम में थोड़ा थोड़ा दिख जाता है हाईवे पे, और ऐसे सिटी वगैरह एरिया में तो खैर सही ही है इसकी लाइट। फिर भी मैं आगे मेरा प्लान बन रहा है इसमें या तो हेडलाइट चेंज कराऊँगा या अंदर जो बल्ब आता है उसको चेंज कराऊँगा मैं, देखते हैं दोनों में से मैं क्या कराऊँगा। तो भाई एक बार वापस अपन खींच के देखते हैं, ठीक है। वन, ये रुक गया बिल्कुल, ठीक है ना, 1, 2, 3। ओहो रास्ता खराब, 60 बहुत जल्दी अड़ गई भाई, 60 तो बहुत जल्दी गई भाई, बहुत जल्दी, मतलब ये रास्ते और ख़राब। देखो यार कितने कैसे कैसे निकाल रहे हैं गाड़ी यार, भाई 60 बड़ी जल्दी गई यार। और 0 to 100 का भी मैं एक अलग व्लॉग बना दूंगा आपके लिए, बनाऊंगा यार मैं 0 to 100। और व्यू कैसा आ रहा है आप मेरे को ज़रूर कमेंट करके नीचे बताना, और गाइस चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दो यार, मतलब व्यूज़ आ जाते हैं लेकिन सब्सक्राइबर्स इतने नहीं आ रहे हैं। तो पिकअप के मामले में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं दे रही है,
और भाई मतलब इंस्टेंट जो पावर आती है ना बहुत अच्छी आती है, इनिशियल पिकअप जिसे अपन बोलते हैं, और सही आ जाता है व्यू वगैरह भी। इधर से मिरर भी बहुत अच्छे इन्होंने दे रखे हैं, प्लास्टिक है वैसे पूरे, लेकिन ठीक है यार, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो तुम, बुलेट है, बुलेट से तुम इतनी चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना। और भाई सही है यार चलने में, मतलब सस्पेंशन वगैरह थोड़े, पता है मेरे को आगे के सस्पेंशन में, मेरी पर्टिकुलर गाड़ी में मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो जो लेफ्ट वाले सस्पेंशन है ना, इसमें थोड़ी मेरे को मिस्टेक लग रही है कि मतलब झटका मिलता है मेरे को एक, जो मेरी दूसरी क्लासिक है ना उसमें ऐसा नहीं होता, तो मैं एक बार कंपनी में जाके चेक कराऊंगा। तो सही है गाइस, चलने में भी कोई बुरी नहीं है यार, गाड़ी बहुत अच्छी चल रही है, अभी 55 पे चल रही है अपनी गाड़ी, तो बहुत बहुत मज़ा आ रहा है भाई इसको चलाने पे यार। मतलब जो लोग सोचते हैं ना कि बुलेट बहुत हार्ड चलेगी या ऐसे, मतलब नहीं चल पाएगी इतनी अच्छी, तो मैं कहना चाहूँगा नहीं भाई, बहुत सॉफ्ट चलती है, अभी 50 पे गाड़ी चल रही है, मेरे को पता भी नहीं चल रहा बिल्कुल। अब वापस से यू टर्न लेने की बारी आ चुकी है और मैं घर से बहुत दूर आ गया हूँ, ये ऑल सेट। वाह यार रोड देखो कितना प्यारा लग रहा है रोड, सही है यार, हो सारी चीज़ें में सही है, गाड़ी चलाने में सीटिंग कंफर्ट वगैरह बहुत सही है मेरे को लगता है। तो गाइस मेरी हाइट है 5'10", तो मेरे हिसाब से इसकी सीटिंग बहुत अच्छी है यार, और मतलब मेरे दोनों पाँव पर आराम से टिक जाते हैं। एलियन के लिए भी बहुत अच्छी इन्होंने सीट कंफर्ट दे रखा है, सॉफ्ट है, मैंने सीट कवर कंपनी से चढ़वाया था, मतलब ओरिजिनल सीट कवर है मेरा, और मतलब हाँ बहुत अच्छी सीट है, मतलब ऐसे बिना सीट कवर के तो ये है ना थोड़ी सी कड़क आती है सीट, और जब सीट कवर चढ़ जाता है ना तो बहुत सही आती है। देखो कितना ऊंचा बम्प है यार, ये पिकअप बहुत अच्छा लगता है मेरे को इस गाड़ी का। मेरे को वैसे ये बाइक चलाते हुए 1 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, तो मुझे तो सारा, खैर 1 साल में देखो जितना एक्सपीरियंस इंसान ले सकता है ना गाड़ी का, तो मैंने वो सारा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर दिया है। मैं दूर दूर भी गया हूँ इसको लेके, तो इतना कुछ लगता है नहीं। पिकअप तो भाई बहुत अच्छा है इसमें, पिकअप के मामले में तो 28 NM टॉर्क, अभी जो नई वाली आ रही है उसमें 27 आ रहा है। नौ वीडियो को करते हैं यहाँ पे एंड, तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ गई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और शेयर करना, कमेंट करना, और कमेंट करके बताओ मैं और कौन सी बाइक का या कार का ड्राइविंग रिव्यू लाऊं। अगर आपको पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।